फेविकॉन नहीं लगा होगा तो मैं फेविकॉन का टैग लगाऊंगा। उसके बाद मैंने देखना है कि हेडिंग स्टाइल्स का यूज है, हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं यूज करूंगा, कहां यूज करूंगा, यहां पर मुझे प्राइमरी कीवर्ड्स चाहिए होंगे। प्राइमरी कीवर्ड्स को कहां पर होना चाहिए, सबसे पहले आपके कॉन्टेंट के हेडर में होना चाहिए। मैं इसको ये ना समझे हेडिंग स्टाइल की बात नहीं कर रहा, ये कॉन्टेंट हेडर है, किसी भी वेबसाइट का कॉन्टेंट हेडर है। यानी कोई भी वेबसाइट शुरू होगी तो वो यहां से ही शुरू होगी। ये वेबसाइट शुरू हो रही है यहां से, देखें अब आपने देखना है कि इसके हेडर को मैंने कैसे यूज किया हुआ। अभी पहले मैंने इसके हेडर की बात की है, ये भी प्रोफेशनल किचन है, ऊपर भी प्रोफेशनल किचन है, ऐसे ही है ना। इसको देखें, इसका टाइटल क्या है, बेस्ट एमईबी कंसल्टेंट, और नीचे क्या है, बेस्ट एमईबी। पैराग्राफ में क्या है, यही पढ़ा है ना प्रीवियस क्लास में हमने, बिल्कुल ऐसे ही किया है ना सब कुछ, कि पैराग्राफ में जाकर चेंज किया था, हेडर में जाकर चेंज किया था। अब आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इतना सा भी मैंने इस पर काम किया था, एक दो घंटे बैठ के, तो इसके बाद ये वेबसाइट क्रॉल होना शुरू हो गई थी, कि मतलब कोई आठवें दसवें नंबर पर अभी नजर आना शुरू होगी। सिर्फ इतना सा काम है, ये देख लें, ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर भी हम ले आए थे, ये वाला जो ब्लॉक है ऐड कर दिया ना कीवर्ड को, लेकिन रेलिवेंसी से थोड़ा सा ना, मतलब रेलिवेंट करके कंटेंट बनाया। जैसे ये था, क्या लिखा हुआ, ये एंड अलोंग देम विद द क्वालिटी एमईपी कंसल्टेंसी, फिर आगे क्या लिखा हुआ, पॉसिबिलिटीज विद द बेस्ट MEP consultants in Pakistan, यानी कि आपने sentence को जोड़ना है। अब Google हमें ये भी कहता है कि आपका जो content है ना वो helpful content होना चाहिए। Helpful content का मतलब ये है कि आप किसी को घेर घार के ले आए हैं। कैसे घेर घार के ले आए हैं, अभी keywords है, अब वो आपकी website पे तो आ गया, लेकिन अब वो जब वो keyword तो एक था ना, छोटा सा एक sentence था, combination of three words or four words or five words, लेकिन जब वो आपकी website पर आ गया तो अगर उसका helpful content उसे वहाँ पर नहीं मिलेगा तो वो तो छोड़कर चला जाएगा। तो आपको इस चीज को देखना है कि अब जब आप उसको ले आए हैं तो आपकी साइट के ऊपर हेल्पफुल कंटेंट जरूर होना चाहिए, तभी वो रुका रहेगा वेबसाइट के ऊपर। और अगर आपकी वेबसाइट पे हेल्पफुल कंटेंट होगा तो गूगल आपको भी फ्रीज करके रखेगा नंबर के ऊपर। तो अगर कोई यूजर आए, मतलब बेसिकली तो आपको रैंक गूगल ही कर रहा है। अब यूजर्स आते हैं, मैं कहता हूँ भाई एक दिन में कोई 200 यूजर्स आए और बाउंस रेट जो था ना वो 180 यूजर्स का बहुत हाई था। इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट की एफिशिएंसी पुअर थी, हाई था मतलब वेबसाइट की एफिशिएंसी पुअर थी। अगर किसी का बाउंस रेट कम था, इसका मतलब है वेबसाइट की एफिशिएंसी अच्छी है। यानी ऐसे ही है ना, जैसे कोई मेरी क्लास में ट्रायल क्लास पढ़ने आए तो एक मिनट के बाद उठ कर जाए, 10 मिनट के बाद उठ कर जाए, 20 मिनट के बाद उठ कर चला जाए, अगर एकदम ही उठकर चला जाएगा तो हम कहेंगे ट्रायल क्लास का बाउंस रेट हाई है। अगर 20 मिनट के बाद उठकर जाएगा तो हम कहेंगे इट्स ओके फाइन, रुका है भाई थोड़ी देर हमारी। इसी तरह कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आता है तो उसको भी हमारी वेबसाइट पर रुकना है। अगर वो वेबसाइट पर आ गया कीवर्ड के सहारे, लेकिन वेबसाइट पर जब आया तो उसको कुछ नहीं मिला जो वो सोच कर आया था, तो एकदम बाउंस करेगा और कहेगा दूसरी पर खोलता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाउंस रेट है, आपको समझ में आया ना बाउंस रेट क्या चीज़ होती है, कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर कितनी देर रुकता है। अब इसका एसईओ वाले ने तो घेरदार के ऊपर ले आया ना, बोला हमारा काम क्या था, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना, बाउंस रेट कैसे कंट्रोल होगा, कंटेंट के साथ होगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं, अब आपका कंटेंट कैसे अच्छा हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सिनेरियो कहूं कि सिनेरियो ये है कि भाई एक कॉलेज की वेबसाइट है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। अब इस कीवर्ड पे हमने किसी वेबसाइट को रैंक कर दिया, अब क्या हुआ, वो वेबसाइट रैंक हो गई भाई, किसी ने कीवर्ड लिखा वेबसाइट के नंबर पे आ गई, किसी ने उस पर क्लिक किया वेबसाइट पर आ गया। अब जब वो वेबसाइट पर आता है ना तो वेबसाइट पर उसको कन्विंस करने के लिए कोई मटेरियल नहीं है। अब किसी को डिजिटल मार्केटिंग में कन्विंस करने के लिए मटेरियल क्या हो सकता है, कोर्स की आउटलाइन, ट्रेनर्स, स्टूडेंट्स का कोई रिव्यू, सिलेबस की कोई पीडीएफ फाइल, ऐसे ही है ना, कोई एक छोटा सा वीडियो क्लिप जिसमें किस रिकॉर्डिंग में मैं कोई छोटा सा लेक्चर दे रहा हूँ। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने इतनी सारी चीज़ों के नाम लिए, अब कोई बंदा आएगा वो कहेगा यार इनका सिलेबस क्या है, चलो देखते हैं।
एक बंदा कहेगा यार ये आउटलाइन क्या पढ़ लेते हैं, एक बंदा कहेगा ये इन्होंने 20 सेकंड का क्लिप दिया हुआ है ट्रेनर का, ये भी सुन लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रुक गया मेरी वेबसाइट पर, रुक गया इसका मतलब क्या हुआ, बाउंस रेट लो कर दिया, रोक लिया उसको। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उस कोर्स उधर सिर्फ यही लिखा होता कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्सेज हम करवा रहे हैं और ये पीक सॉल्यूशन या जो सा भी कॉलेज है ये इतनी देर से बना हुआ है, ये कर रहा है, ये इसकी सर्विसेज हैं, ये 2001 से है और दूसरी चीजें लिखी हुई होंगी, तो कोई बंदा नहीं रुकेगा। इसलिए वो इसलिए तो नहीं आया था ना, ये जानने के लिए नहीं आया था, वो तो डिजिटल मार्केटिंग के मुतल्लिक जानना चाह रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इस सारी बात का मतलब ये हुआ कि पहले हमने कीवर्ड को देखना है, लेकिन उससे पहले हमने वेबसाइट के कॉन्टेंट को भी देखना है, क्योंकि अगर वेबसाइट का कॉन्टेंट पुअर होगा तो लोग आना छोड़ देंगे, फिर गूगल भी हमें नीचे लेकर आएगा। जब बाउंस रेट हाई होगा तो हाई बाउंस रेट की वजह से भी हमारी रैंकिंग मुतासर होगी। तो वो कैसे होगी, उसके लिए हमें कीवर्ड के ऊपर वर्किंग करनी है, उसके लिए हमें सॉरी कॉन्टेंट के ऊपर वर्किंग करनी है। तो अगर आपने कॉन्टेंट नहीं लिखना, किसी और ने लिखना है, तो आपने उसको क्लाइंट को बताना है कि भाई आपका कॉन्टेंट भी ठीक होना चाहिए, हम तो घेर कर के ले आएंगे बंदों को, लेकिन जब वो बंदे आपकी वेबसाइट पर आएंगे और रुकेंगे नहीं, बाउंस रेट हाई होगा। एक अच्छा बाउंस रेट जो होता है ना, वो होता है 40 इक्वल्स टू 40, ये एक वैल्यू है, ये गूगल एनालिटिक्स में जाकर हमें पता लगती है कि हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट क्या है। अगर तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट 40 या 40 से कम है, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट ठीक है, और अगर आपकी वेबसाइट का रेट 60-80 के करीब है, 70 या 80 के करीब है, इसका मतलब बहुत हाई है, लोग आते हैं और भाग जाते हैं, लोग आते हैं और भाग जाते हैं। यानी हमें अपने बाउंस रेट को 40 के करीब करीब लेकर आना है, वैल्यू को, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वापस। अब अगली चीज क्या थी हमारे पास, इमेजेस, यहाँ आए हम, ये इमेजेस की बात है, ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है। अब हमें अगला टैग कौन सा समझना है, इमेज का टैग समझना है। हालांकि आप देखें तो फेविकॉन में इमेज की बात ही हुई थी, मगर वो इमेज का टैग नहीं है, मिक्स नहीं करना हमने, ठीक है, वो लिंक था जिसके अंदर इमेज लगा था, लेकिन वो इमेज का टैग नहीं है, वो ये वाले इमेजेस नहीं है, जो आपकी बॉडी में इमेजेस आ रहे हैं इसके लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो कोई और है। वो कौन सा टैग है, नोटपैड खोलें, लेट्स खोलते हैं। बहुत सारे, ये तो जैसे मैं जिसमें काम करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आपने एडिटिंग करनी है, असल में तो हमें एसईओ करने के लिए कोड खोल लेना, आप जिसमें मर्जी खोलो, आप जिसमें यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको प्रेफर करता हूँ तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। लो ये वाला था फेविकॉन वाली फाइल, इसी के अंदर आगे काम कर लेते हैं, ठीक है, फर्दर भी इसी में कर लेते हैं जिसमें हम प्रीवियस क्लास में कर रहे थे। ये आ गया, ये हेडिंग्स के बाद तस्वीर लगा लेते हैं। अच्छा, तस्वीर के लिए हम पढ़ेंगे इमेज का टैग IMG, ये टैग है हमारा मेन टैग, ये इसका पहला एट्रीब्यूट है SRC इक्वल्स टू डबल कोटेशन। हाँ बिल्कुल है, इसमें भी आता है ना, SRC तो खुद ही आ रहा है ना, फाइल तो हमें खुद बतानी पड़ेगी ना। चलो यहां पर अब हमने अपनी फाइल का नाम बताना है। अब एक काम करते हैं, एक इमेज हमने डाउनलोड किया था उधर से, फेविकॉन किया था ना, एक्चुअली वो इमेज था ना, वो फेविकॉन तो नहीं था, मैंने उसको फेविकॉन के तौर पर इस्तेमाल किया था, था तो वो बड़ा इमेज ही, तो मैं उसी का नाम लिख लेता हूँ फिलहाल, बल्कि उसका नाम नहीं लिखते हम, नाम लिख लेते हैं उसके ऊपर टाइप क्या किया हुआ मैंने, प्रोफेशनल किचन। चलो जी, इसका नाम भी मैं क्या रख लेता हूँ, ये अब आपको एक और नई चीज बता रहा हूँ, फाइल नेम कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए। आपकी जितनी फाइल्स हैं, चाहे वो HTML फाइल्स हैं, चाहे वो इमेजेस हैं, सबके नाम कीवर्ड फ्रेंडली होने चाहिए। मिसाल के, हाँ बहुत बड़ा फैक्टर है ये। अब मैंने फाइल अभी बनाई नहीं है, उधर अभी बना लेते हैं बाद में जाके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो अगला एट्रीब्यूट है, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, वो है alt. alt स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव alt टेक्स्ट। देखें, एक चीज याद रखें, गूगल जो क्राउल कर रहा है ना चीजों को, तो गूगल आपकी वेबसाइट का सोर्स देखता है,
मतलब आपकी वेबसाइट का बैक एंड देखता है, फ्रंट एंड नहीं देखता। फ्रंट एंड में क्या है, ग्राफिक्स है, बैक एंड में क्या है, कोडिंग है। चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, चाहे वो कोडिंग वाली वेबसाइट है, दोनों सूरतों में उसने देखना क्या है, उसका रैंक करने के लिए बैक एंड। और बैक एंड क्या है, कोडिंग। मैं इसको बैक एंड बोलता हूं, इसको कह रहा हूं बैक एंड। ये बैक एंड है, सारी कोडिंग है ना ये। यानी गूगल ने जब आपको क्रॉलिंग करवानी है तो इधर से डाटा एक्सट्रैक्ट करके करवानी है। आपकी रैंकिंग के फैक्टर्स यहां से वो पूरे कर रहा है, आपके रैंकिंग के फैक्टर्स वो यहां से नहीं पूरे कर रहा। तो ये चीज वो भी है, लेकिन गूगल को ग्राफिक से, एनिमेशन से, फ़ॉन्ट से, हेडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। उसने ये देखना है कि मेरे बताए हुए सोर्स कोड को उसने यूज किया कि नहीं किया, यानी कि टैग्स को उसने यूज किया कि। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें यू लग रहा हो कि इमेज की क्वालिटी अच्छी हो या इमेज अच्छे कैमरे से शूट हुआ हो तो शायद उसके रैंक होने के चांसेस ज्यादा हैं, ये बात नहीं है। बात यह है कि उस इमेज के ऊपर जो सोर्स गूगल फ्रेंडली है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज को गूगल इसलिए रैंक नहीं कर रहा कि तस्वीर बड़ी स्टाइलिश बनी हुई है, बल्कि उसने ये देखना है कि इसके कोड में क्या वो चीजें मेंशन है जो मैंने पूछी थी। यानी इधर आना ही नहीं है उसने, किधर आना है उसने, उसने इसको देखना है। कंट्रोल एफ करें, IMG, ये IMG के टैग्स पे आ गया हूं मैं, सारों पे आ गए ना। वो इनको देखेगा, ये बहुत सारे टैग्स हैं, एक्सप्योरली IMG का टैग खोल लेते हैं। ये देखें, हाँ जी, अब देखते हैं, जूम बड़ा कर ले, आ गया ना IMG का। वैसे ही है ना जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको भी, IMG SRC, आगे आर्ट भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ठीक है, आगे विड्थ भी लिखी हुई है। अच्छा ये क्या विड्थ की क्या स्टोरी है, ये भी समझते हैं अभी। इधर आ जाए वापस, अगला क्या था, आर्ट। आर्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गूगल को हम बेसिकली तस्वीर नहीं सबमिट कर रहे अपनी, गूगल को हम उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट सबमिट कर रहे हैं कि भाई ये लो, ये हमारा कीवर्ड, इसके ऊपर इस तस्वीर को रैंक कर दो। यानी कोई भी बंदा कुछ टाइप करता है, उसके अगेंस्ट कोई तस्वीर आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली वो कैसे आ रही होती है, वो आर्ट उसको लेकर आ रहा होता है। और SEO, अगर इमेजेस, ये इमेज की SEO है, मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई 50 तस्वीरें हैं और 50 तस्वीरों में आर्ट मेंशन नहीं है, तो जब मैं इसका SEO ऑडिट करूंगा, SEO ऑडिट का मैं चेक करूंगा भाई SEO है कि नहीं है, तो SEO ऑडिट में रिपोर्ट ये आएगी कि ऑल इमेजेस विदाउट आर्ट, और ये एक बैड फैक्टर होगा। यानी इसका मतलब है, तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा। अब इमेज की SEO का जो पहला फैक्टर था वो क्या था, इमेज फाइल नेम मस्ट बी कीवर्ड फ्रेंडली। यानी कि एक तो वो कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए, फाइल नेम स्पेस नहीं होना चाहिए। ये रूल तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हुए कि फाइलों का जो नाम है उसमें आपने स्पेस नहीं डाल दी। आपने देखा मैंने अभी नाम रखा तो क्या रखा है, स्पेस तो नहीं यूज किया, क्या नाम रखा मैंने, प्रोफेशनल डैश किचन डैश इक्विपमेंट। चाहता तो स्पेस भी यूज कर सकता था ना, स्पेस भी इलीगल है, स्पेस को भी वो पसंद नहीं करेगा। यानी आपने अपनी फाइलों के नाम, चाहे वो इमेजेस के नाम हो, चाहे वो वीडियोस के नाम हो, चाहे वो HTML फाइल्स के नाम हो, चाहे वो लैंग्वेज फाइल्स के नाम हो, नाम कैसे रखने हैं आपने, नहीं, पैराग्राफ इज अ कंटेंट नॉट फाइल नेम। पैराग्राफ इज अ कंटेंट, कंटेंट में नहीं ऐसे करना, फाइल नेम में, जो डिस्क पर स्टोर है ना, डिस्क पर आपकी फाइलें स्टोर हुई है ना, उनके नाम आपने ऐसे रखने हैं, ठीक है। अब अक्सर देखते हो किसी URL पे क्लिक करें तो उसके बीच में कहीं ना कहीं 20% लिखा हुआ आता है, दैट इज अ स्पेस। मैं कहूं वो स्पेस बार करेक्टर है। अब क्या पता उसको क्या है, ये किसी को क्या पता ये 20% क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर उसने स्पेस बार यूज ना किया होता तो 20% का जो एक्स्ट्रा करेक्टर है वो तो नहीं आएगा ना बीच में, सिंपल डैश नजर आ रहा होगा बस। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कीवर्ड क्या है इस वक्त, यही है ना, जरूरत क्यों नहीं है, यही तो जरूरत है, यही तो काम है ऑप्टिमाइजर का। मैं कह यही तो हमारा काम है, यही तो करेंगे। मेरे मत किसी वेबसाइट की आएगी ना SEO करने के लिए, मैं नहीं, खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, चल रहा है, मैंने अभी कोड बंद ही नहीं किया, देखें मैंने अभी तक तो बंद ही नहीं किया, अभी नहीं खत्म
खत्म तब होगा जब मैं इसको वो ग्रेटर देन का निशान लगाऊंगा। अभी ये चल रहा है, ये उसके एट्रीब्यूट्स लिख रहा हूं। पहला एट्रीब्यूट क्या था? एसआरसी। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? ऑल्ट। ऑल्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 120 से 140 कैरेक्टर्स। गूगल कहता है ऑल्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स। ऑल्ट में मैसेज क्या होना चाहिए? आपका कीवर्ड। 120 से 140 हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो ऑल्ट में मैं लिख रहा हूं इसमें भी बेशक डैशेज लगा लो, बेशक ना लगाओ, ओके। ऑल्ट मैसेज में चाहे तो डैशेज लगा लें, चाहे तो डैशेज को स्किप कर दें। सर वो ऊपर तो लिंक का नाम है, इमेज का नाम है, ये नीचे क्या आप इसमें वो मैंने इमेज का नाम क्यों रखा है? वो की अपनी हमारी वो कीवर्ड के लिए, कीवर्ड के लिए ना, इसी कीवर्ड है ना सर में। तो अब मैंने ऑल्ट में उसे कहा कि ये मेरा कीवर्ड है भाई, कोई बंदा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखे तो मेरी तस्वीर दिखानी है। जी जी, ऑल्ट का मतलब ये है कि गूगल जब क्राउल कर रहा होगा ना तो वो ना तस्वीर नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? वो इस कीवर्ड पे वो ऑल्ट को चेक करेगा, वो ऑल्ट को चेक करेगा। ऑल्ट में क्या है? अगर ऑल्ट में कुछ नहीं होगा ना तो इसका मतलब उसको समझ में कुछ नहीं आएगा तस्वीरों की। इसीलिए जब मैं इसका ऑडिट करूंगा तो मुझे कहेगा कि भाई आपकी इमेजेस तो ऑप्टिमाइज नहीं है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करो। 100% अगर मेरी 50 पिक्चर्स हैं तो कहेगा 50 पिक्स विदाउट ऑल्ट। यही एक आम एसईओ का। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं अपनी 50 तस्वीरों में प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट भी लिखने वाला हूं, ऐसा तो नहीं है। मेरे तो बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, जो तस्वीर जिस कीवर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी उसकी फाइल का नाम भी वैसा ही होगा और उसका ऑल्ट एट्रीब्यूट भी वैसा ही होगा। जैसे अभी एक प्रोफेशनल किचन है, एक दूसरा है जनाब वो हमारा है इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट है, एक और है हमारे पास वो हम कह देते हैं कमर्शियल पिज्जा ओवन है, एक और है जो आइसक्रीम मशीनरी है। इसका मतलब क्या है? उनकी फाइलों के नाम भी मैं आइसक्रीम मशीनरी रखूंगा, उनके ऑल्ट एट्रीब्यूट भी मैं आइसक्रीम मशीनरी रखूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दो एट्रीब्यूट्स हो गए, फिर वही बात। अभी देखते हैं कौन सा टाइटल है ये। पहली बात है कि ये टाइटल का टैग नहीं है, सबको पता लग रहा है ना, ये टाइटल का टैग नहीं है, टाइटल का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट है ये कहां पर आएगा? ये देखिएगा, अभी मैं माउस रखता हूं ऊपर जाकर विंडो पे, क्रॉस पे माउस रखा है मैंने, क्लोज लिखा हुआ आ गया। जब कोई बंदा आपकी पिक के ऊपर माउस रखेगा तो ये शो होगा, इसको हम बोलते हैं टाइटल। अब देख रहे मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपने कीवर्ड को घुमाई जा रहा हूं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अच्छा, अगला एट्रीब्यूट कौन सा? अब दो एट्रीब्यूट है हमारे पास, विड्थ और हाइट। इनका पर्पस क्या है, ये क्यों यूज कर रहे हैं? ये ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इवी दूसरी डिजाइन का बनाकर आ जाऊं, पहले भी हो सकता है ना पॉसिबल। गूगल हमें क्या कहता है? गूगल में ये कहता है कि आपके जो इमेजेस हैं आपने इन्हें ओपन नहीं छोड़ना, क्योंकि ओपन छोड़ेंगे मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट के ऊपर आप समझो 50 इमेजेस से मेरी वेबसाइट लोड होती है, लोड होगी तो सबसे पहले कौन सा आएगा? इमेज नंबर 1 लोड होगा है ना, फिर इमेज नंबर 2 लोड होगा, इसी सीरीज में सारे इमेजेस लोड होंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी वेबसाइट लोड करती है इमेज 1 को, उसे क्या पता है कि अभी 49 इमेजेस और भी हैं, उसने क्या किया स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली सारी। फिर आगे गई तो इमेज 2 को लोड किया, जैसे इमेज 2 उसको मिला उसने कहा भैया क्या हुआ, मैंने तो सारी स्क्रीन कवर कर लिया। क्या करेगा? ऊपर वाले को छोटा करेगा, फिर दूसरे को फिट करेगा, फिर दूसरे के बाद किस पर जाएगा? तीसरे पर जाएगा। जैसे ही तीसरे पर जाएगा कहेगा भाई ये क्या हुआ, ये तो दो इमेजेस ने सारी जगह कवर कर ली हुई है, उनको भी छोटा करेगा। अब क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लोड टाइम बढ़ रहा है ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसके उल्ट कर लेते हैं, वो क्या है, वो अब ये कहते हैं कि भाई हमने पहले से ही साइजेस बता दिए कि इसका कितना साइज होगा और उसका कितना साइज होगा, पहले इमेज का कितना साइज रखना है, दूसरे इमेज का कितना साइज रखना है, तीसरे स्क्रीन के हिसाब से हमने पहली सेटिंग की हुई है, ये अब हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं कि भाई पूरी तस्वीर नहीं लगानी। हाँ, आपको पता है ना कि ये इमेज कहाँ पर है? आपको पता है कि भाई लेफ्ट साइड पर पैराग्राफ था, राइट साइड पर इमेज है, तो आपने लेफ्ट साइड कितनी ऑक्यूपाई की हुई है, इमेज को कितना छोटा होना चाहिए, तो वहां से आकर हम छोटा कर देंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि क्लाइंट ये कहता है कि भाई मेरी सारी तस्वीरें ऐसी नहीं है जिसमें हम विड्थ हाइट छोटी कर दें। मिसाल के तौर पर
ये मोबाइल है, ठीक है ना, ये कुर्सी है और ये माउस है। अब अगर मैं ये कह दूँ कि भाई इसकी वेट 50% कर दो, तो ये तो कंडेंस हो जाएगा, हो सकता है पहचान ही ना जाए कि ये माउस है। ऐसे ही है ना, कुछ शेप्स ऐसी हैं जो रीशेप हो जाएंगी। तो गूगल हमें कहता है कि आप इस तरह करें कि आप दोनों प्रॉपर्टीज को चेंज ना करें, आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी को चेंज करें। यानी कि दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, वेट और प्रोपोर्शन बन जाए। इसलिए कि गूगल को पता लग जाए कि भाई इस वेबसाइट पर जो इमेजेस हैं वो ज्यादा हैं और इसको मैंने कितनी जगह देनी है। क्योंकि अगर इमेजेस जल्दी लोड हो रहे होंगे तो आपकी वेबसाइट फास्ट होगी, अगर देर से लोड होंगे, आप अक्सर देखते हैं ना एनिमेशन भी हो रही होती है वेबसाइट लोड होते हुए, है ना, यानी कोई चीज ऊपर आती है, नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, अंटिल के वो फ्रीज ना हो जाए, वो ये वाला सारा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में आपकी स्पीड लग रही होती है। So, ये क्या हो गया जी, विड्थ। चलो फिलहाल हम विड्थ की एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं और हम कह देते हैं, अच्छा अगर मैं यहाँ को ना विड्थ 100, इसका मतलब होगा 100 पिक्सल्स। मैं अगर 100 लिखूंगा ना, इसका मतलब होगा 100 पिक्सल्स। और अगर मैं इसको यू लिखूं, इसका क्या मतलब होगा, 100%। अब ये परसेंट, अब परसेंटेज के हिसाब से आ गया, ठीक है, यानी कि ये साइज के प्रोपोर्शन साइज हो गया, ये इसका एक्चुअल साइज भी रखेंगे, हाँ ये परसेंट के हिसाब से हो गया। अब अगर मैंने ये कहा कि भाई इसको कर दो, फिलहाल हम यूं करते हैं, हम कहते हैं भाई इसको कर दो 75% और हाइट को कर दो, ये समझाने के लिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। मैंने कहा था दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो क्लाइंट चीखे भी मारेगा आपका, ठीक है भाई, आपने तो भाई चीज़ों की शक्लें चेंज कर दी हैं, तो किसी को पता ही नहीं लग रहा कि इसमें से पिज्जा ओवन कौन सा है, तो आइसक्रीम मशीनरी कौन सी है, सब एक जैसी कंडेंस पिक्चर्स हुई हैं, आप ये ठीक कर रहे हैं, एक यूज करेंगे, हाँ और यूज हमें एक करना चाहिए दोनों में से, ठीक है। अच्छा ये मैंने कहा इतनी कर दो, इसको मैंने कह दिया 50% कर दो, पता नहीं कैसी शक्ल निकलेगी, अभी देख लेते हैं। ये अब कितने सारे हमने एट्रीब्यूट्स देख लिया इमेज के अंदर, पहला एट्रीब्यूट SRC, दूसरा एट्रीब्यूट Alt, तीसरा एट्रीब्यूट टाइटल, चौथा एट्रीब्यूट विड्थ और पांचवा एट्रीब्यूट हाइट। आगे से टैग क्लोज कर दिया, ये टैग वही वाला टैग है, नॉन पेयर टैग है ये, ठीक है, साथ क्लोज हो सकता है, मैं कहता साथ क्लोज हो सकता है। चलिए जिसको सेव करें, फार्मूला बन गया, ठीक है, यही साइंस है जो SEO करवा रही है हमसे, और ये वेब डेवलपर को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। नहीं क्या हो गया, क्या एंड भी होता है, टैग क्लोज तो मिसिंग टैग के एंड पे होता है। मैंने आपको कहा था ना दो तरह के टैग, हाँ मैंने कहा था दो तरह के टैग्स होते हैं, एक जो होते हैं वो हमें ग्रुप बनाना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है, इसको पेयर बनाना, ये नहीं लिखूंगा तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे भी चलेगा, लेकिन वैसे ही मैंने कहा कि यार HTML वैलिडेशन होनी चाहिए ना, देखो उसने पकड़ लिया ना कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, इस तरह पता नहीं लग रहा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे थे जैसे 8186, इसको अलहदा बंद किया, इमेज को अलहदा बंद नहीं किया मैंने, जहाँ खोला वहीं पर बंद कर दिया, इनको हम बोलते हैं नॉन पेयर टैग्स। जो पेयर टैग्स होते हैं उनको खोल के बंद भी करना पड़ता है, जैसे एज हेडिंग स्टाइल जो है वो सारे के सारे पेयर टैग्स हैं, बोल्ड पेयर टैग है, स्ट्रॉन्ग पेयर टैग है, लेकिन IMG पेयर टैग नहीं है। तो जिसको हमने सेव कर दिया, अब जरा इधर आए फोल्डर में जहां पर ये सब कुछ रखा हुआ है, HTML का है जी ये फाइल है मेरा ख्याल है जिसमें हम काम कर रहे थे, इसे खोलें। अब वो तस्वीर नहीं है ना भाई, मैं क्या तस्वीर नहीं है अभी, हाँ वापस आ जाए उधर, तस्वीर मैंने बनाई नहीं ना, रखी नहीं ना, हाँ तस्वीर नहीं आई ना अभी, अब पहले इसको समझ लें, चले पहले इसके आउटपुट को देख लें। बेसिकली ये इमेज का साइज है, लेकिन इमेज मौजूद नहीं है, तो जब इमेज मौजूद नहीं है तो गूगल क्रोम हमें क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है पता लग रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है,
कहाँ पे लिखा था? नहीं कहाँ पे लिखा था? ये कौन से वाला वाला? ये आर्ट है, ये आर्ट वाला टेक्स्ट है। मैं कह ये आर्ट वाला टेक्स्ट है। अब हमें पता लग गया आर्ट के टेक्स्ट के दो पर्पस होंगे। एक पर्पस क्या हुआ, यानी एक वो क्या कहता है, एक पर्पस ये है कि यूजर्स को मैसेज दे रहा है, एक पर्पस क्या है वो क्रॉलर को मैसेज दे रहा है। अगर तस्वीर लोड नहीं होगी तो आपका आर्ट नजर आएगा, अगर तस्वीर लोड हो जाएगी तो आपका आर्ट नजर नहीं आएगा, फिर सिर्फ क्रॉलर को मैसेज, हाँ फिर सिर्फ क्रॉलर को मैसेज आएगा। नहीं ये कहीं नजर नहीं आना, ये आपने क्रॉलर को बता दिया बस। ये यहां पर कब नजर आएगा? जब तस्वीर लोड, जब किसी भी वजह से तस्वीर लोड नहीं हो पाएगी। ये तो हाँ, अब हम जरा इमेज की बात कर लेते। अच्छा हुआ नहीं रखा, ताकि आपको इसकी साइंस समझ में आ गई है पहले। अब ये वाला इमेज है ना जिसको मैंने रखना था बेसिकली, तो मैं इसी की कॉपी कर लो, राइट क्लिक कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं इसको। जी आ गया, नाम क्या था इसका? F2 नहीं नहीं, उसका नाम फेविकॉन है, उसका नाम कमर्शियल किचन इक्विपमेंट है। अब मैं इसका नाम चेंज करने लगा ना, लिख दिया यही नाम रखा ना उधर मैंने। चलो रखा था नाम चेंज कर। ऐसे ही है व्यू में आएगा, लार्ज आइकॉन्स टेक्स्ट उतना ही है, मैंने कहा इसे टेक्स्ट बड़ा कर देगा। ठीक है, यही नाम था, उधर जाकर देखे क्या लिखा हुआ है, यही नाम है। कौन से नाम की बात हो रही है? इस नाम की बात हो रही है, इस नाम की बात। अब मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया, रीलोड करें, आ गई तस्वीर। माउस रखे इसके ऊपर, मैसेज भी आ गया। ये हमने विड्थ की थी उसकी, अच्छा अब एक काम करें जरा, सर इसमें हाइट को अगर आप निकाल ही देंगे, हम दोनों को निकाल देते हैं ना, पहले देख लेते हैं इसका असल साइज क्या था। भी एरर आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगी, गैप स्पेस नहीं होनी चाहिए, हाँ विदाउट लॉजिकली स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया कि आपसे गलती ना होगा। ये तो ठीक है, तो वर्ड खत्म हुआ ना यहाँ पे, इसलिए ये तो मैंने कहा ना स्पेस देकर इसे क्लोज कर देते हैं, बजाय इसके कि मैं नीचे एक IMG का टैग लगाता, /IMG करता, मैंने साथ ही इकट्ठा बंद कर दिया ना इसको। वैसे तो बंद करने के लिए मुझे /IMG करना पड़ना था ऐसे। चलो ये था असल साइज, ये डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हमने नहीं करना ये तो वेबसाइट डिजाइन होकर आई हुई है ना मेरे पास। हाँ अगर मुझे ये लगेगा उसके इमेजेस बड़े हैं तो मैं डेवलपर से कहूंगा भाई इमेज छोटे कर दो, मुझे इतने बड़े इमेजेस नहीं चाहिए। अब अगली अगली जो ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या है? जी इस पर राइट क्लिक करें सर, सेव इमेज एज। हाँ उधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ऊपर दिखेगी तस्वीर, ऊपर होगी टेक्स्ट नीचे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर है जरा इसका साइज देखें, तो माउस रखें इस पर, बल्कि लिखा हुआ ही रहा होगा। कितना साइज है जी इसका? 1.22 MB MB की फाइल है ये, हाँ ये जो उन्होंने डिजाइन थंबनेल बनाया होगा ना, गलत है, इतना बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, थंबनेल का साइज भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा अब गूगल हमें और क्या कहता है, ये मैं आपको इमेज लगाना भी बता रहा हूँ और इमेज की ऑप्टिमाइजेशन भी साथ साथ सारी बताई जा रहा हूँ, हाँ ताकि जब हम SEO करेंगे तो यही वही ऑप्टिमाइजेशन है जिसको हमें सामने रखना है। गूगल हमें यह कहता है कि आपका जो इमेज है ना वो अबाउट 100 KB होना चाहिए, 100 या 100 से कम,
साइज कम होना चाहिए भाई। छोटे साइज का इमेज होगा तो तभी जल्दी लोड होगा ना, बड़े साइज का इमेज होगा तो लोड तो नहीं होगा। अब क्या करें, इमेज तो बहुत बड़ा है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जेपीजी टू पीएनजी किया था ना, इमेज कंप्रेसर भी था हमारे पास, देखिएगा था। मैं क्या, अब मैं साइज नहीं चेंज, अब मैं टाइप चेंज नहीं कर रहा, अब मैं देखिए क्या लिखने लगूं, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर लिखा मैंने कि भाई इमेज इसको कंप्रेस करना है। साइज आ गई हमारे वेबसाइट, पहले ये देखते हैं फिर दूसरी साइज देखते हैं। क्या कहता भाई, फाइल दो मुझे, अपलोड पीक करंट ये जी 1 MB थी, देखिए कितना छोटी करता है, कंप्रेस करना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा छोटा कर रहा है, -62%। देखें जरा इसको, डाउनलोड करें इसको, आगे क्या साइज हो गया जी, 475 हो गया। हाँ अब किलोबाइट्स में छोटी होगी थोड़ी सी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एक नया इमेज फॉर्मेट हमारे पास आया, न्यू इमेज फॉर्मेट है, फॉर्मेट है वेब पी, उस इमेज फॉर्मेट का नाम है वेब पी, उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन, इसके इवन ये इतना नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है कि अभी आप फोटोशॉप में जाएं तो वहां पर वेब पी की फाइल सेव एज ऑप्शन नहीं है, यानी किसी भी एडिटर में भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ। और ये बेसिकली क्या फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ये है कि ये ब्राउजर फ्रेंडली फॉर्मेट है, यानी ये वाला जो इमेज है ये सिर्फ ब्राउजर में खुलेगा, मतलब वर्ड में भी तो आ जाती है ना इमेज फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आ जाती है, कितनी जगहों पर आती है इमेजेस आते हैं, पीडीएफ बना लेते हैं हम लोग, कहता नहीं ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर फ्रेंडली है, यानी जो इंटरनेट ब्राउजर हैं उस पर इमेजेस कन्वर्ट होंगे। जरा ये भी करके देखें, अब देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, ऑनलाइन PNG फाइल थी ना हमारी, PNG टू वेब पी कन्वर्टर लिख दिया। अब ये एक और SEO का फैक्टर है, यानी अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास जो वेबसाइट्स आती हैं उनके जो इमेजेस होते हैं मैं उनको वेब पी भी करता हूं, इसलिए कि गूगल वेब पी को ज्यादा रेट करता है एज कंपेयर टू JPG और PNG, इसीलिए इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। मगर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वो जो आपका फेविकॉन है ना उसे नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा हो चुका होगा, वो तो है ही आईकॉन ना, उसे छोटा करके क्या करेंगे, वो तो दिखाते ही छोटा है उसको, वो तो वैसे ही छोटा हो जाता है, नहीं वो जितना बड़ा मर्जी हो उसने दिखाना ही छोटा है उसको, उधर तो लेकर ही वो छोटे साइज में करके गया, जब वो छोटे साइज में ले गया तो साइज तो है ही नहीं उसका कुछ, तो उसमें नहीं करना हमने इसको। यहाँ पर आगे जी क्या कहते हैं, सेलेक्ट फाइल उसी को करेंगे, इसका करें जैसे साइज कहां पर है जी, फेविकॉन बड़े वाला ये 1253, इसको पकड़ लेते हैं, चले आगे, ये आ गया जी कन्वर्ट टू वेब पी, कन्वर्ट का बटन बना हुआ है, कन्वर्जन हो रही है। ग्राफिक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डाउनलोड अब देखें साइज कितना होगा, अब 1 MB से 1.2 MB से 105 KB, और मैंने कहा था ना कि वो 1 KB की फाइल को रिकमेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इमेज का साइज बड़ा लग रहा है, मैं इसकी थोड़ी सी रेजोल्यूशन कम करूंगा किसी में जाके और कम हो जाएगा, बट इट्स फाइन, 105 इज ओके। मिसाल के तौर पर मेरे पास 50 इमेजेस होते और 50 इमेजेस के साइजेस 1.2 MB होते और उनको मैं इतना रिड्यूस कर लेता तो मेरी फाइल की वेबसाइट की स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाती ना, वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज बना देगा, साइज वही है उसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि ये वाला जो इमेज है ये फ्रेंडली है, क्रोम फ्रेंडली है, ये एज फ्रेंडली है, ये फायरफॉक्स फ्रेंडली है, इसने ब्राउजर्स के लिए बना हुआ है ये इमेज। तो अब हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास आएगी वेबसाइट आती है तो हम सबसे पहले उसके इमेजेस को वेब पी भी कर देते हैं और उसके बाद हम उसको अपलोड करते हैं। अभी चेंजेस करनी पड़ती है ना काफी सारी कोडिंग में जाकर, फिर हमें
यानी पहले मैं उनके इमेजेस को डाउनलोड करूंगा, फिर वेब पिक करूंगा, फिर दोबारा से अपलोड करूंगा, फिर एसईओ करूंगा। ये सारी की सारी हमने आज साथ इमेज की एसईओ को भी देख लिया, देख लिया ना, मैं के साथ में इमेज एसईओ को भी देख लिया। ये आखिरी था इमेज एसईओ का फैक्टर। यानी अगर हम अब हम फिंगर टिप पे बात करें तो इमेज एसईओ क्या है? नंबर वन, फाइल नेम कन्वेंशन क्या है? फाइल नेम कन्वेंशन क्या है कि भाई फाइल नेम में स्पेस बार नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, फाइल नेम कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए, दो हो गए। ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज होना चाहिए, टाइटल का एट्रीब्यूट यूज होना चाहिए। अगर हम उसके साइज को मेंशन कर दें तो बहुत अच्छी बात है। इमेज का साइज जो है अबाउट 100 किलोबाइट्स होना चाहिए। अगर आपकी फाइल टाइप्स में अगर मैं तीन अमंग थ्री टाइप्स बात करूँ, जेपीजी, पीएनजी के वेब पी, तो मैं कहूँगा कि वेब पी को क्राउलर ज्यादा कंसिडर करता है। ये आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन मुकम्मल कर ली। और ये काम अगर आप इस वेबसाइट के हवाले से देखेंगे, चाहे वो इस वेबसाइट के हवाले से देखें, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, 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 सारी इमेजेस है ना, तो इन सब के साइजेस को मैं छोटा करूंगा। अब इसके इमेजेस पे मैंने काम करना है, अभी नहीं मैंने किया हुआ। बिजनेस हब डीएचए लाहौर, अब ये देखे ना, अब हमें ये देखना है कि बिजनेस हब डीएचए लाहौर क्या इसका कीवर्ड है और इसकी टाइप क्या है, जेपीजी है। सेव करें इसको जरा, देखते हैं इसका साइज क्या है। अभी मैंने इस पे वर्किंग करनी है, ये नया प्रोजेक्ट है। नहीं आएगी अगर लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन में भी नहीं आएगी, इसी हम इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट। ये ठीक है, ये छोटी ही बनी हुई इमेजेस क्योंकि ऑलरेडी छोटे साइज इसके है ना। वन के बी भी कर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तो इमेज बड़ा दिखाना है ना आपको। और मैंने अब आपसे क्या कहा कि वो अपनी स्टैंडर्ड्स को देख रहे हैं ना, यानी कि अब उसका नया स्टैंडर्ड क्या है, वेब पी, तो वो कंपेयर करेगा कि भाई किसकी, चार बंदे आए हुए हैं रैंक करवाने के लिए, एक बंदे की जेपीजी फाइल्स हैं, एक की पीएनजी है, एक की वेब पी है, तो किसको कंसिडर करेगा, वेब पी वाली को जाए। लेकिन वेब पी को आपने, मैंने कहा कि फेविकॉन में यूज नहीं करना, फेविकॉन में आपने पीएनजी को ही यूज करना है, जेपीजी को भी यूज नहीं करना, हालांकि जेपीजी आ जाएगी, मगर आपने जेपीजी को भी यूज नहीं करना, ठीक है। सो अब ये इधर आकर देखें तो ये सारे इमेजेस आ रहे हैं ना इमेजेस, इसका मतलब क्या हुआ, इन सब की हमें एसईओ करनी है। इस पर राइट क्लिक करो, जरा ये सेव इमेजेस, अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल किचन, कमर्शियल इक्विपमेंट, डैशेज लगे हुए हैं ना बीच में, जेपीजी बनी हुई है, पुरानी है ना वेब, थोड़े कॉपी है, पिछले साल के बच्चे ने बनाई हुई है, एक ना किसी ने, ये बच्चे से बनवाई हुई, वैसे ही बनवाई थी उसे तजर्बे के लिए, कभी प्रैक्टिस कर लो इसमें। हाँ, उसे अगर फिर उसकी क्लाइंट की डोमेन पे से अपलोड भी कर दिया था हमने, देख रहे ना, अपलोड हुई हुई है, लाइव हुई हुई है, लेकिन हुई कहाँ पे हुई है, सब डोमेन पे हुई है, और ये कीवर्ड पे रैंक भी हो रही है, ठीक है जी। सो अब आपको अंदाजा हो गया कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, हम सिर्फ एक चीज़ हमारी बच गई पीछे, इंशाल्लाह अगली क्लास में हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। हाइपरलिंक रह गया, मैं हाइपरलिंक को समझेंगे, थोड़ा सा हेडर वाले पोर्शन को समझेंगे, और फिर ये समझेंगे ये वेबसाइट को आपने एडिट कैसे करना है। देखें, अब आपने एसईओ करनी है ना, एसईओ कहाँ पर करनी है, वेबसाइट में करनी है, तो अगर आप वेबसाइट, आपके पास कोई वेबसाइट नहीं होगी तो कैसे करोगे, सोफा वॉशिंग इसे बोल दो, ये ले इंडेक्स की फाइल आ गई, चल गई। ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फाइल, ये ऑफलाइन है, मैं कह ये ऑफलाइन है, आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, ये स्टूडेंट्स ने की होगी ना, ऑफलाइन वेबसाइट का मतलब ये है कि आपने ये वेबसाइट बना ली है ना, कंप्यूटर पे सेव की हुई है, बाद में अपलोड करोगे ना, जब आप पहले से ऑफलाइन बनाओगे, जब आपको लगेगा तैयार होगी, फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। हाँ, एक फाइल नहीं है ना इसके अंदर, देखिए कितना कुछ, हाँ पूरी वेबसाइट तैयार हुई है। ये मैं क्या करूँगा, फिर इसको पूरे फोल्डर को जिप करूँगा,
और जाकर होस्टिंग में अपलोड कर दूंगा तो वेबसाइट लाइव, बिल्कुल सी पैनल में जाकर लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट लाइव। अगर सी पैनल में तो आपने, आपको मैंने यही दे दी है, इसी को हमने चेंज करना है, क्योंकि आपने जब SEO अप्लाई करनी है, मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करवाऊंगा, उसके बाद मैं कहूंगा हाँ भाई अब इस कीवर्ड रिसर्च को इसके कंटेंट में ऐड करो। आपको मैं ये वेबसाइट इसलिए दूंगा कि आप सब लोग अपनी अपनी इंटरेस्ट की वेबसाइट्स बना, ठीक है, और ये ऐसी वेबसाइट होगी जिसको कोई लाइव कर सकता है। जैसे मेरे स्टूडेंट को दी हुई है तो उसने लाइव की ना वेबसाइट, इसको हम एडिट करके इसमें से आप इसकी नई वेबसाइट सब कुछ खत्म कर दें, इसका लोगो खत्म कर दें, इसकी तस्वीरें चेंज कर दें, इसका नहीं सिंपल HTML कोडिंग से कर लोगे बस। अगली क्लास में करूंगा कैसे करनी है डायरेक्ट। ये वर्डप्रेस की तो नहीं है ना, मैं कहूं ये वर्डप्रेस की नहीं है तो ये दूसरी है, सिंपल वेबसाइट है। चलो हो गया।